हीरो तो मैं बचपन से हूं, लेकिन फिल्म अब रिलीज हुई है। नमस्कार मित्रों, टुडे वी आर कैफे कॉफी डे कनॉट प्लेस। दिस इज 14th of June 2021। हमारे साथ वी हैव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सॉरी आजकल वो हम लोग कॉर्पोरेट कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदित्य गर्ग जी हैं। हमारे साथ अविनाश जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, एंड वी हैव आर्य पुत्र हु इज एक्टिंग इन दिस वेब सीरीज सुसाइड। सो एज यू सी द पोस्टर इज देयर सुसाइड, और इन्होंने बोला अभी ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, हकीकत या षड्यंत्र। तो ये एक बड़ा रहस्य में जो आगे आप देखने वाले हैं, ये जनवरी 2022 में इसका ब्रॉडकास्ट होने वाला है। देयर इज अ कपल ऑफ एट सीरीज, सो वी विल स्टार्ट विद आर्य जी। हाउ डू यू फील अबाउट इट, आप कैसे, आपको लग रहा है टू एड्रेस टू द मीडिया टुडे? नो, आई एम फीलिंग वेरी गुड after you know, after long being after surviving the lockdown, I get to see a lot of people now, because lockdown mein to log hi nahi dikh rahe the, so isliye ab ye acha lag raha hai ki log hain aur sab zinda hain. Yes, very nice of you sir. Aap Avinash ji kuch bolna chahenge? Dekhiye ye story jo hai suicide with question mark, isme hum 4-5 stories ke upar hum ek episode taiyar kar rahe hain, jisme alag alag tarah ke vishay hain, जैसे कि स्पोर्ट्समैन की कहानी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी है, एक राजनीतिज्ञ की कहानी है, और एक बॉलीवुड स्ट्रगलिंग एक्टर की भी कहानी है। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग कहानियों के साथ में इस पूरी वेब सीरीज को लेकर आ रहे हैं। आपका क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? आपको ये जो आपने ड्रॉ कर रहा पैरेलल, किसी से कुछ कर रहा आपने, जो आपकी लिटरेचर, आपकी स्टडी मटेरियल से आपने निकाला इसको? नहीं, देखिए, हम लोग एक समय में बहुत सारे आइडियाज के ऊपर में काम कर रहे होते हैं, और ऑफकोर्स किसी न किसी आइडिया पे आपको रुकना होता है, जिस पे काम करना शुरू करना होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट लगा जिसको हमें लगा कि एक इंडिपेंडेंट या एक फिल्म मेकर होने के नाते हम इसे लोगों के लिए सामने लेकर आए, दर्शकों के लिए। तो ये उस तरीके से हम इसे सब्जेक्ट को हम लेकर आ रहे हैं। वेलकम टू यू सर। आपको क्या, व्हाट वाज आपका चैलेंज क्या रहा, जैसे इन्होंने बोला कोरोना में आज जब सबसे मिल रहे हैं तो सब लोग नजर आ रहे हैं, तो आपका भी कोई चैलेंज, व्हाट वाज इट, कि आपको सुबह 24 घंटे आप काम करते हैं? देखिए, चैलेंज तो इस जो भी चल रहा है पिछले 2 साल से सभी के साथ है, कि हमें काम जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, राइट, और हमारा प्रोजेक्ट भी सही स्पीड से जाना चाहिए, राइट। वही पूरी जो कोशिश है कि हम अच्छे तरीके से अपनी कहानी को रख पाएँ ऑडियंस के सामने, और अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। आपकी जो टीम है अभी, तो आप लोग, वी आर मीटिंग 3 of you, राइट, जो फ्रंट में हैं, और कितनी बड़ी टीम है जो आप, जिनको हाईलाइट करना चाहिए, कैमरामैन एंड योर, हाँ, जैसे जैसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट होंगे, मेकअप लीड्स होंगे, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होंगे, हमारे DOP डिपार्टमेंट होगा, हमारा आर्ट डिपार्टमेंट होगा, एंड वेरी सून हम सबके नाम, सबकी आइडेंटिटी विल रिवील, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप है हमारा, जिसमें हम पोस्टर लॉन्च किया है और जो फर्स्ट लुक लॉन्च किया है, स्लोली एज वी प्रोसीड वी विल रिवील एवरीथिंग। अरे, आप, यू आर आल्सो एक्टिंग इनटू सम अदर सीरीज, आपका उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? फर्स्ट मूवी कर रहे हैं हम, जो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद श्री वीर नारायण सिंह जी, जिनकी कहानी 1790 से लेके 1857 तक की कहानी है। तो उसमें आई एम प्लेइंग वीर नारायण सिंह, और वो एक बायोपिक है, और उस पर चूँकि वो छत्तीसगढ़ के पहले हीरो की कहानी है, और मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ, तो
वो हम कर रहे हैं, वो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ आप कहाँ से? रायपुर। रायपुर से। मेरे सिस्टर भी रायपुर में है जी। तो therefore I said I relate to you and I would like to share with them also। छत्तीसगढ़ का जब आप जिक्र करते हैं जी, तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है नॉर्मली उसको वो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ Is it a fort? किला या मतलब क्या, what is छत्तीसगढ़ का क्या? 36 forts के हिसाब से वो उसका नाम छत्तीसगढ़। नाम छत्तीसगढ़ है। और अभी जो राजधानी है रायपुर, उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई हुई होगी, तो आपने कहा मैं बचपन से हीरो था। रायपुर क्या होता है? नहीं है, बचपन से हीरो हीरो है। तो आपने कहाँ कहाँ आपने एक्शन करा, स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में? स्कूल कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे स्केट वेट में मैंने काम किया थिएटर। और फिर जब 2019 में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो हमारा एक फेमस ऐप था चीनी ऐप, तो उसमें हमने कुछ वीडियोस बनाए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। वीडियोस को बहुत लोगों ने पसंद किया, तो जो एक्टिंग का कीड़ा था वो अच्छे से जाग गया और फिर हमारे पास दोनों कंसेप्ट आए और उसकी तरह से हम आपके सामने आ गए। ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे अबाउट दिस वेब सीरीज? इसमें मतलब व्हाट इज द जो ऑडियंस है, किसको टारगेट कर रहे हैं आप? यूथ ऑफ यू नो मींस द मेन और द वुमेन। देखिए इसमें जैसे मैंने बताया 4-5 अलग अलग स्टोरीज हैं जिसमें कि ऑफ कोर्स मैन वुमन दोनों हैं और ये यूनिवर्सल स्टोरीज हैं, इसमें हर तरह के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। देखिए बेसिकली ये मुद्दा जो है वो आप देखेंगे कि एक छोटी उम्र से लेके बहुत उम्र दराज लोग हैं वो लोग भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो किन किन सर्कमटेंसेस में वो ऐसे एक्शन या ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, किन स्टेप्स से या किस तरह के सर्कमटेंसेस में पड़ने से बचना चाहिए, उन सब चीज़ों से लोगों को वो सीखने का वो मौका मिलेगा कि आप कैसे अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं। और ये भी हो सकता है कि कुछ स्टेप्स जो उठाए गए हैं उसे लोग सुसाइड का नाम दे देते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, वो बिकॉज पुलिस फाइल्स में होता है कि वेदर सुसाइड हुआ है या समथिंग एल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दबी रह जाती हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। ये पोस्टर में भी सुसाइड विद अ क्वेश्चन मार्क है, एंड द क्वेश्चन मार्क इज इन रेड कलर। नहीं वो ठीक है, ऑफ कोर्स कई बार षड्यंत्र भी होता है पीछे में उसके, तो एक फिक्शन है तो हम उसको उस तरीके से। लास्ट में मैं इनके आदित्य जी के पास आऊंगा कि ये जो वेब सीरीज है, नॉर्मली वेब सीरीज में होता है कि people are not seeing in a family drawing room setup. होता है कि भैया माँ बाप बच्चे या जो भी है, but इसके अंदर is it anything which is controversial या censorship के अंदर कुछ? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी web series ऐसी हैं जो family के साथ नहीं देख सकते, शायद लोग वो सभी ज़्यादा देखते हैं जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और बहुत सी हैं जो फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, बहुत सी कॉमिक वेब सीरीज भी हैं। तो अपनी कहाँ पे क्लासिफाई करती है हमारी पूरी यूनिवर्सल एडल्ट कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है और ना हमारे में है। वो ही मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, हमारा कांसेप्ट फिल्म मेकिंग है जो एक आइडिया को प्रेजेंट करना है, ना कि उस पे जबरदस्ती कुछ ऐसी चीज हम सेंसेशनल नहीं कर रहे हैं, उस तरह का नहीं करना, करने के लिए नहीं आए। धन्यवाद, आप लोग का दिल्ली में स्वागत है और हम लोग शायद आप लोग के साथ आगे चल जाएंगे छत्तीसगढ़ और मैं घुमाई हूँ। अरे बिल्कुल स्वागत है आपका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये एक्टर जितने भी एक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सुसाइड जिन्होंने शायद सुसाइड किया या जिनके लाइफ का एंड जो है
सुसाइड की तरह दिख रहा है वो सबसे इंस्पायर है। और जो पिक्चर लॉन्च हो रही है वो भी सुशांत सिंह के वो एक वो भी कोइंसिडेंस है वो तो परफेक्टली कोइंसिडेंस है क्योंकि अभी हमारी एक पहली फिल्म जो आ रही है वीर नारायण सिंह वो हमारी आने वाली थी अगस्त 13 तक, पर चूंकि आपको भी मालूम है वो थिएटर रिलीज है थिएटर तो 13 अगस्त तक खुलते दिख नहीं रहे, खुलेंगे भी तो पीपल आर नॉट रेडी कि अभी जाके वो देखेंगे। और मैं हमारी चूँकि हमारी फर्स्ट फिल्म है तो पीपल वोंट गो दैट इजी, सो वो थोड़ा एक्सटेंड करेंगे उसके बाद का हमारे पास जो बफर टाइम है उस टाइम पे हम इसे कंप्लीट करेंगे, उस हिसाब से वो हमारा डेटा है। ये इसका सीजन वन जो है वो हम 5 to 8 एपिसोड में डिपेंड करेगा कि हमारा जो मैसेज है हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बनाने में 5 एपिसोड में ख़त्म हो जा रहा है या 8, क्योंकि अभी कई वेब सीरीज 4-5 एपिसोड वाली भी आती है, जैसे एक अनकवर्टेड हीरोज वाली आई है वो सिर्फ 5 एपिसोड की है इसलिए, लेकिन उसमें 5 एपिसोड में उसने अपनी बात कह दी तो हो सकता है हम 5 में ही कह पाएँ, हो सकता है हम 8 में भी नहीं कह पाएँ, नो लग जाए इस टाइम। देखिए फिल्म बनाना और एंटरटेनमेंट मीडिया में काम करना मेरा पेशा है और बहुत अच्छी बात है कि मेरा शौक है जो उसको मैंने पेशा बनाया है।